हमारे को आज हमारे ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पार्टी नागपुर शहर के अंदर में ये मोर्चा रखा गया है, ये आंदोलन किया जा रहा है। म्यांमार के अंदर में इन बीते 15 दिनों के अंदर में करीब 1000 मुस्लिम मुस्लिमों के साथ में और करीब 100 हिंदुओं का जो है नरसंहार किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, औरतों के साथ में जुल्म, बच्चों के साथ में जुल्म सितम किया गया। इसी के लिए हम लोग आज अपना ये मोर्चा लेके ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं म्यांमार हुकूमत के खिलाफ। कब तक चलेगा ये मोर्चा? ये मोर्चा भी हमारा और 2 बजे तक के चलेगा, 1 घंटा और इसके बाद हम यहाँ से माननीय कलेक्टर साहब से जाकर मिलेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा एक निवेदन देंगे कि म्यांमार से आए हुए जो यहाँ पर शरणार्थी है उनको शरण दिया जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश और तमामी अतराफ के जो लोगों को बांग्लादेश या फिर जितने भी मुल्क से जो लोग आए हुए उन्हें शरण दी गई है, उसी तरीके से रोंगे मुस्लिम को भी वहाँ पर शरण दी जाए। मेरा नाम सैयद आसिफ मलिक, नागपुर शहर महासचिव माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक बात ये आखिरी में आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि अगर म्यांमार के शरणार्थियों को आप हिंदुस्तान में जगह नहीं दे सकते हैं तो उसी तरीके से जो शरण लिए हुए हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो बर्मा वगैरह या दीगर और भी लोगों की जो कंट्री के जो लोग हैं उन्हें भी फिर बाहर करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम नाम पर ये जो भेदभाव ये जो मोदी सरकार जो कर रही है, अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि एक इंटरनेशनल मीटिंग जिसमें 32 देश मौजूद थे, वहाँ से जो प्रतिनिधि हमारी बन के जो मैम गए थे, वो मुसलमानों के कत्ल की बात जैसे हुई उन्होंने उस मीटिंग का बहिष्कार करके वहाँ से उठ गया। तो मैं समझता हूँ कि वो मीटिंग का बहिष्कार नहीं था बल्कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहिष्कार था।